सो IIT एडवांस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि Fe2+ एक्वस सल्फर 2- एक्वस आपस में मिल रहे हैं और बना रहा है FeS, और यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे कहता है व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ 0.06 मोलर Fe2+ आयन एंड 0.2 मोलर सल्फर 2- आयन आर मिक्स्ड, ठीक है ना। तो आपको इसने Fe2+ आयन और सल्फर 2- आयन की मोलारिटीज दे रखी हैं और इसके इक्वल वॉल्यूम उसने मिक्स किए हैं। ऐसे में कहता है इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयन विल बी फाउंड टू बी कितनी, ये आपसे पूछता है। तो कुछ बातें, कुछ स्टेप जरा पहले लिख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर मिक्स्ड, तो जब इन दोनों का इक्वल अमाउंट आपने मिक्स किया उसके बाद इंडिविजुअली दोनों की कितनी कितनी मोलैरिटी होगी मिक्स होने के बाद, वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि Fe2+ आयन की मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू आई कैन से M1V1 डिवाइड बाय V1+V2, मतलब कि इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर आप देखें तो इसके मोल्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं, 0.06 × V, और आपको बोला गया दोनों का वॉल्यूम V है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, इसका मतलब होगा ये 0.06 V डिवाइड बाय 2 V। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल मोलारिटी जो आपकी हो जाएगी मिक्स होने के बाद Fe2+ आयन की, वो है आपकी 0.03 मोलर। सिमिलरली हम लोगों को मोलारिटी निकालनी है, इनिशियल मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग, जब आपने मिक्सचर बना दिया है उसके बाद मोलारिटी सल्फर 2- आयन की कितनी आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी 0.2 V डिवाइडेड बाय 2 V आई कैन से। तो यहाँ से आपका बन जाएगा इट विल बी कम आउट टू बी 0.1 मोलर। अब लिख लेते हैं जी अपनी इक्वेशन। इक्वेशन आपसे क्या कहती है, इक्वेशन कहती है कि आपके पास है Fe2+ आयन एक्वस जो कि आपके मिल रहे हैं सल्फर 2- एक्वस से और बनाते हैं FeS सॉलिड। मैं बोलूं इनिशियली कितने कितने हैं, ये मोलारिटीज लिख लेते हैं, इनकी मोलारिटीज क्या क्या हैं वो लिख लेते हैं। जैसे कि इसकी हमने अभी अभी निकाले, इनिशियली इट इज 0.03 मोलर एंड दिस वन इज 0.1 मोलर एंड दिस वन इज 0। अगर मैं आपसे बोलूं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा, इक्विलिब्रियम में इसमें से कुछ जाएगा, एक्स जाएगा, तो इसमें से भी एक्स जाएगा और इसका एक्स बनेगा। अब अगर आप देखो इस रिएक्शन का जो के है, मतलब इस रिएक्शन के होने की संभावना जो है वो के आपको दे रखा है कितना, 1.6 × 10⁻¹⁷। ये जो +17 है इट इज़ वेरी हाई वैल्यू, ऐसे में आप कहते हो कि अगर ये हाई वैल्यू है तो मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन विल ऑलमोस्ट 100% कम्प्लीट, रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% कम्प्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका इनमें से जो भी लिमिटिंग एजेंट होगा वो पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बोलूँ कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये Fe2+ आयन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो होगा ये बनेगा आपका 0.1 में से माइनस करेंगे 0.03 और ये बनना चाहिए आपका 0.03। इसको मैंने बोला ख़त्म हो जाएंगे, बट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे बोला मैंने, बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा ये, बल्कि मेरे को वही निकालना है कि ये कितना होगा। तो इसलिए मैं इसको ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो जो भी बचेगा थोड़ा बहुत ही बचेगा, लेकिन वो कितना बचेगा वो हमें निकालना है। तो अगर मैं ऐसा सब्सिट्यूट कर दूँ तो ये तो चीज़ सॉलिड है, इसकी तो इक्विलिब्रियम में कोई, इसका तो कोई लेना देना होगा नहीं, इसकी वजह से इसको किसके इक्वल रखूँगा, इसको मैं रखूँगा इक्वल्स टू 1 / Fe2+ आयन की कंसेंट्रेशन इंटू 0.07। 0.07 कहाँ से आया, 0.1 - 0.03, दैट विल कम आउट टू 0.07, और यहाँ से मेरे को Fe2+ आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है। जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आफ्टर कैलकुलेशन आई विल गेट Fe2+ आयन की कंसेंट्रेशन विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल रफली कम आउट टू बी 100 आई कैन से 11.2 × 10⁻¹⁷, कुछ ऐसा सा आ जाएगा।
जो कि कैलकुलेशन करने पे कितना पहुंच रहा है देखते हैं। ये आपका कैलकुलेशन करने पे पहुंच रहा है 8.928 × 10⁻¹⁷, जिसको ऑलमोस्ट कुछ लोग रफ राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 8.93 × 10⁻¹⁷। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो कि Fe2+ आयनिक कंसंट्रेशन अगर आपकी है y × 10⁻¹⁷, तो वहाँ पे y क्या है? तो यहाँ से y क्या आ गया, फिर y आ गया आपका 8.93। थैंक यू।